हेलो दोस्तों, वीके टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो वीवो भी 30 प्रो 5G फ़ोन लॉन्च हो गई थी एक महीना पहले, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। 5 प्रॉब्लम निकल के सामने आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम है जानते हैं। तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो वीवो भी 30 प्रो बहुत ही शानदार फ़ोन था जो कि एक महीना पहले ही लॉन्च हुई, लेकिन इसमें आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम भी फेस हो रही है। तो पहला प्रॉब्लम इसमें आपको इस फ़ोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो कि बहुत ही शानदार फ़ोटो खींचता है, लेकिन इसमें एक समस्या है कि इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड में एज का पता नहीं लगता है और इस पोर्ट्रेट मोड में बिल्कुल भी यहाँ एज का पता नहीं चल रहा है दोस्तों। यह पहली समस्या है। दूसरी समस्या है कि इसमें आपको मीडिया टेक डायमेंसिटी 8500 SoC का प्रोसेसर है जो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह नॉर्मल यूजर के लिए शानदार है और जो हाई यूजर है, हाई प्रोसेसर यूजर, उनके लिए यह उतना अच्छा शानदार प्रोसेसर वाला फ़ोन नहीं है, जो कि यह दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम इसमें आपको फ़ोन में Android 14 पर आधारित Android 14 फन टच OS पर काम करता है, जो वर्जन की तुलना में हल्का है, लेकिन इसमें काफ़ी ब्लोटवेयर है। आप इनमें से बहुत से थर्ड पार्टी एंड्रॉयड या देसी भी वो ऐप को हटा नहीं सकती हैं, यह प्रॉब्लम है। चौथी समस्या, इसमें आपको शानदार डिस्प्ले है लेकिन इसमें आपको कोई स्टूडियो स्पीकर देखने को नहीं मिल रहा है, जिसमें कि इसमें मीडिया अनुभव में खलल पड़ जाती है या मोबाइल में स्टूडियो स्पीकर नहीं होने की वजह से। पाँचवीं प्रॉब्लम, इस फ़ोन में आपको सिर्फ IP54 रेटिंग है जो कि यह महंगी फ़ोन में बहुत ही शानदार बहुत ही घटिया रेटिंग देखने को मिल रही है, जो कि धूल और छींटों से न्यूनतम सुरक्षा देती है। इसमें आपको IP78 का रेटिंग सुरक्षा देखने को मिल सकती थी। थैंक यू।